अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अरे दोस्तों क्या हाल है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ ये बरीक मोती वाली पीको। ये बरीक मोती किस तरह लगाने हैं दुपट्टे में, आज ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें ये बरीक मोती हैं। तो ये मोती ऐसे हैं जो बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। कुछ मोती ऐसे होते हैं जो उनसे उनमें फ़र्क होता है एक इंच का, डेढ़ इंच का। ठीक है, कुछ मोती ऐसे होते हैं जो तीन तीन जुड़े होते हैं एक जगह पे ही। ठीक है, उनमें वक्फा होता है फिर दो इंच का या एक डेढ़ इंच का फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये हैं सिंपल मोती जो उनसे होते हैं बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल आसान है लगाने, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। लगाने किस तरह है ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दिया करें। ठीक है, इससे मेरा हौसला होगा, काम अच्छा हो या थोड़ा कम हो तो दोस्तों कमेंट ज़रूर दिया करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारे नोकस की सतह रखनी है इसे, और ये जो बूट है, ठीक है, इसमें ये हमने ये लगवाया हुआ है, पाइप का हल्का सा टोटा कटवा कर लगवाया हुआ है। ठीक है, वेंड करवाया हुआ है साथ इसके, तो इसके अंदर ये डालना है मोती इस तरह। तो निकाल के इसको सुई के सेंटर में डाल लें जहाँ से धागा चलेगा, तो थोड़ी सी मशीन चला लेंगे ताकि ये मोती उसके अंदर सिलाई के अंदर फंस जाए। ये याद रखना आपने, जो मशीन की सुई होती है मोती लगाते हैं तो जो बाहर वाली सुई होती है वो हम लगी रहने देते हैं, अंदर वाली सुई हम उतार देते हैं। ठीक है, जो अंदर वाली उतारते हैं वहाँ से मोती चलने शुरू हो जाते हैं, इसमें तीन धागे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये देखें हल्की सी मशीन चला लें आप पहले। दोस्तों दुपट्टे हम शुरू करने लगे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, आपने इस तरह करना है, ये दुपट्टा होता है ना इसकी ना उल्टा और सीधा, ये आपने ज़रूर चेक करना है। ठीक है, इसके लिए उल्टा होता है और सीधा होता है, ये लाजमी चेक करना है आपने, कि ना हो आप उल्टी साइड पर मोती लगा दें। ठीक है, वो सीधी साइड पर शो ना हो, क्योंकि मोती लगते हैं ऊपर वाली साइड पर तो वो एक साइड पर ही शो होते हैं। ठीक है, तो सीधी साइड हमें ऊपर रखनी है और उल्टी साइड हमें नीचे रखनी है। और दोस्तों शुरू करते हैं। ये दोस्तों बूट उठा लिया हमने, इसके अंदर नीचे ये एडजस्ट कर लिया हमने बिल्कुल। ठीक है, अब इसको चलाना शुरू कर देते हैं। बूट का ये फायदा होता है कि इससे ना ये बिल्कुल मोती परफेक्ट लगते हैं। देखो बिल्कुल जबरदस्त मोती लगे हैं इससे। इससे चाहे जितनी मर्जी मशीन भगा लें आप, ठीक है, इससे होगा आपकी प्रोडक्शन जो सी वो ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और इससे शाइनिंग बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, और इसमें बहुत से फायदे मिल जाते हैं आपको, प्रोडक्शन आपकी तेज हो जाएगी। जितनी आपकी प्रोडक्शन तेज होगी जाहिर सी बात है उतने आपकी दुकानदारी की ज़्यादा चलेगी। ठीक है, लेकिन ये बूट आप लोग खरादी से किसी से बनवा सकते हैं। ठीक है, ये बूट बनवा के और आप इससे काम शुरू करें तो इंशाल्लाह कोई मसला आने वाला नहीं है। तो देखें कितने स्पीड से मैं मशीन चला रहा हूँ। जिस तरह मशीन जितना चाहे मशीन को भगा लें आप, बिल्कुल मोती परफेक्ट लगेंगे बिल्कुल सीधे। ये देखें दोस्तों, इससे ये होता है एक क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है। ठीक है, और प्रोडक्शन भी निकल जाती है और कस्टमर भी खुश हो जाएगा इतनी सफाई से मोती लगे हुए। ठीक है,
दोस्तों इसी तरह हमने सारा दुपट्टा मुकम्मल कर लेना है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है बाद में फिर दोबारा यार कमेंट ज़रूर दिया करें, ठीक है। कमेंट के लाइक के अब पैसे नहीं लगते यार, तो कमेंट ज़रूर दे दिया करें, ठीक है। ये देखें दोस्तों बिल्कुल साफ मोती लग रहे हैं। देखो अगर यही हाथ से लगाते तो इतने मेरे ख्याल से इतने साफ नहीं लगते, तो हाथ से भी लग जाते हैं लेकिन हाथ से इतना ना तो स्पीड इतनी लगती है ना इतनी सफाई आती है, ठीक है दोस्तों। इससे बिल्कुल परफेक्ट है ये सफाई, तो आप इसी से, मैं तो आपको मशवरा यही दूंगा आप इसी बूट से आप ये मोती लगाया करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर किया करें, ठीक है दोस्तों।